नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश डी हजारे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल RDH सर। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति, मतलब कि जो KBC सीजन 12 है उसका आज 13 मई 2020 को जो है पांचवा सवाल पूछा गया है रात 9 बजे सोनी टीवी चैनल पर, साथ में सोनी लिव ऐप पर भी। और यह सवाल है, विच सुपरस्टार इन हिज अर्ली करियर अपियर्ड इन द टीवी सीरीज वागले की दुनिया, फौजी एंड सर्कस। अगर हिंदी में हम इस प्रश्न का अनुवाद करें तो यह है, अपने शुरुआती करियर में कौन से सुपरस्टार वागले की दुनिया, फौजी और सर्कस टीवी धारावाहिकों में नज़र आए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न पढ़ने के बाद कहीं जो फिल्मों के और सीरियल्स के फैन हैं, चहेते प्रशंसक हैं, उनको इस प्रश्न के विकल्पों की ज़रूरत पड़ेगी। खैर, इस प्रश्न के जो चार विकल्प है वो कुछ इस तरीके से हैं। ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी आमिर खान और ऑप्शन डी संजय दत्त। दोस्तों, आप में से कई सारे ऐसे दर्शक होंगे हमारे चैनल के भी जिनको इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। अगर आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो हम आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ऑप्शन बी शाहरुख खान। हाँ दोस्तों, शाहरुख खान जी जो है फिल्मों में आने के पहले उन्होंने वागले की दुनिया, फौजी और सर्कस इन और ऐसे और भी अन्य जो चर्चित धारावाहिक है उनमें जो है काम किया हुआ है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर तो हमने बता ही दिया आपको कि ये करेक्ट आंसर है बी, शाहरुख खान। और आप जब इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आज 13 मई 2020 से लेकर आप रात 9 बजे से लेकर कल 14 मई 2020 के रात 8:59:59 तक आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। आप SMS के जरिए दे सकते हैं उत्तर, और उत्तर तो हमने बता ही दिया कि एग्जैक्ट उत्तर कौन सा है तो ऑप्शन बी है। तो आपको टाइप करना है KBC स्पेस देना है, उसके बाद में बी टाइप करना है स्पेस देना है, उसके बाद आप हमने लिखे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 28 या 28, तो आपको आपकी उम्र टाइप करना है जो आपका 1 मई 2020 को जितने साल की उम्र आपकी पूरी हुई है वो पूरी उम्र टाइप करनी है, और उसके बाद में स्पेस देकर आपको आपका जेंडर टाइप करना है। अगर आप पुरुष है तो M, महिला है तो F और अगर अन्य है तो वो। और इस SMS को जो है आपको सेंड कर देना है 509093 इस नंबर पर। आपको SMS का ऑब्वियसली जो भी आपके ऑपरेटर के हिसाब से ₹3 तक चार्ज लग सकता है। हमारे जानकारी के हिसाब से अब तक तो भी Jio के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको चार्ज नहीं लग रहा है। आप दोस्तों सोनी लिव ऐप पर भी रजिस्ट्रेशन करके जो है इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी अगर जाननी है तो उसके लिए हमने एक वीडियो इसके पहले बनाए हैं, और वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी जो लिंक है वो दे देंगे। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर ली है तथा जिन्होंने नहीं किया, वो रजिस्ट्रेशन के साथ वो जो है वो इस प्रश्न का उत्तर सोनी लिव ऐप पर भी इसी समय सीमा के अंदर दे सकते हैं। आपको सिर्फ डेटा शुल्क लगेगा, अन्य कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। और मुझे कुछ एक प्रश्न आ रहे थे दोस्तों तो हमारे दर्शकों के तरफ से कि सर, हमने इसके पहले के जो चार प्रश्न हुए हैं वो प्रश्न या उनके जो उत्तर है वो हमने नहीं दिए हैं तो कैसे। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि KBC कभी भी जो अभी जैसे इस सीजन में 14 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं 9 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, तो KBC कभी भी ये नहीं देखता कि कोई जो दर्शक है या कोई जो प्रतिभागी है वो पूरे के पूरे 14 प्रश्नों के उत्तर दे तभी उसका सिलेक्शन होगा या तभी उसको कॉल आएगा, ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि कोई ने 14 के 14 प्रश्नों के उत्तर दिए और उनको कॉल नहीं गया है। हालांकि आगे की जो प्रोसेस है वो हम ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुँचाएंगे, पर कभी भी ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है, पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बने इसलिए पूरे प्रश्नों के उत्तर देने का हम जो है हम सलाह देते हैं। पर कभी ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि किसी ने एक ही दिन मतलब प्रश्न का उत्तर दे दिया और उसको कॉल आ गया, तो KBC की जो टीम है वो हर एक प्रश्न का उत्तर दे के देखकर
वहाँ से जो है प्रतिभागियों को कॉल करती है, ना कि पूरे प्रश्नों का उत्तर देने वालों में से। तो हो सकता है कि किसी का सिलेक्शन एक प्रश्न का उत्तर देकर ही हो गया और किसी का सिलेक्शन पूरे के पूरे उत्तर देने के बावजूद नहीं हुआ है, और ऐसा बहुत बार होता भी है। तो अगर आपने अब तक उत्तर नहीं भेजे तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आगे के उत्तर और ये उत्तर भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल सुझाव है या आप कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और जो है हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक जो है हमारे जो अपडेट्स हैं वो लगातार सही समय पर बिल्कुल समय समय पर मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो पूरी देखने के लिए। हम जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।